देखिए अब जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके ऊपर जो है आपके 12th के कंप्यूटर साइंस के पेपर में पूछा है, पेपर फर्स्ट में। अब कंस्ट्रक्टर क्या रहता है, जैसे कि उसका नाम है कंस्ट्रक्टर, मीन्स कोई वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करने वाला, बिल्ड करने वाला। तो कंस्ट्रक्टर जो है क्या करेगा, जितने आपके डेटा मेंबर्स है, जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जो कोडिंग आपने कंस्ट्रक्टर में लिखी है वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती है। अब कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन क्या काम के लिए यूज होता है, डेटा मेंबर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। और कब प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसी वक्त। जैसे आप वैल्यू को, ऑब्जेक्ट को वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अभी तक क्या यूज कर रहे थे, ob1 डॉट ये गेट डेटा। यहां से आपने बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर गेट डेटा नाम से फंक्शन लिए, वो किस लिए लिए, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। किसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू। और ऑब्जेक्ट को कौन सी वैल्यू प्रोवाइड होती है, जो उसके डेटा मेंबर्स होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है। उसका नाम जो है वो सेम होता है एज ए क्लास नेम। जैसे फॉर एग्जांपल दो नंबर के एडिशन के लिए मैं आपको यहां पर प्रोग्राम बताता हूं, और ध्यान में रखिए कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक आता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर आपने कंस्ट्रक्टर में किसी पैरामीटर्स को, कोई पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर बनाया तो वो होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो पहले हम जो प्रोग्राम देखते हैं वो प्रोग्राम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखते हैं, और फिर उसके बाद उसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करके उसको देखेंगे एज ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो देखिए मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूं, क्लास ईएक्स। अब इसी में मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, और ध्यान में रखिए कंस्ट्रक्टर हमेशा जो है वो पब्लिक सेक्शन में लिखा जाएगा आपको। और यहां से मैं लिखता हूं ईएक्स, देखिए उसका नाम सेम है और यहां पर कोई पैरामीटर्स नहीं देता हूं, तो यह मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और इसमें मैं कोडिंग लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पर दो नंबर लेता हूं इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सी आउट इंटर टू नंबर्स, सी इन करके एक्स और ये वाई की वैल्यू हमने एक्सेप्ट किए, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये कैलकुलेट किए और इसको सी आउट कर दिए। द टोटल इज इक्वल्स टू सी, और यहां पर मेरी क्लास कंप्लीट हुई। अब देखिए यहां पर ये ध्यान में रखिए कि इसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो ये है कि फंक्शन कंस्ट्रक्टर का नाम या कंस्ट्रक्शन फंक्शन एज इट इज नाम रहेगा, जैसे उसकी क्लास का नाम है। दूसरी बात, फंक्शन कोई वैल्यू, ये फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। तीसरी बात ये कि पब्लिक सेक्शन के अंदर लिखा जाएगा, और ये कॉल कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी वक्त मैं कॉल होगा। अब देखिए मैं यहां से मेन में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं ई एक्स ओ बी। अब देखिए मैंने यहां पर कोई फंक्शन को कॉल नहीं किया, ना इसमें कैल्क है ना इसमें डिस्प्ले है, लेकिन जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इसी पोजीशन के ऊपर ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसे कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस क्लास का, तो अब यहां पर आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह आपको मिलेगा, यहां पर सी आउट इंटर टू नंबर एक्स और वाई की वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे और ये द टोटल इज इक्वल टू सी। अब इसी प्रोग्राम को अगर मुझे कन्वर्ट करना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो कैसे होगा, यहां पर मैं इंट ए कॉमा बी, ये दो वैल्यू मैंने ले लिया, अब यहां पर से ये हट जाएगा और इसमें क्या होगा, x इज इक्वल्स टू ए y इज इक्वल्स टू बी और z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और ये सी आउट। अब जब आप इसको इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है
तो ध्यान में रखिए कि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर, क्योंकि अब यहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त में दो पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा। सेम मैं अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये ओबी वन ओबी टू, तो अब इस सिचुएशन में पहले ये कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसे बनाता हूं यहां पर पैरामीटर्स नहीं है तो यहां पर मुझे एरर मिलेगा, इसीलिए यहां पर मुझे पैरामीटर पास करना ही होंगे जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। अब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सबसे पहले 4 प्लस 5 तो आपको मिलेगा टोटल इक्वल्स टू 9। सेकंड टाइम में जब ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट होगा, यहां से हमने पैरामीटर पास किए और इसको फिर 3 प्लस 4 द टोटल इज इक्वल्स टू 7। तो ये थे हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। उसमें भी दो कंस्ट्रक्टर है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।